साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको एक सिंदूर का वशीकरण करने वाला, एक चुटकी सिंदूर का शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण करने वाला टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वशीकरण टोटके की पालना करेंगे तो जो भी आपका प्यार है आपको उसकी प्राप्ति होगी और वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। अगर आपसे रुष्ट होने के बाद आपका जो प्यार है, आपके जो दिल के प्रिय है, अगर वह आपसे दूर हो चुका है तो उसकी वापसी होगी। अगर आप अपने प्यार को बार बार फोन कॉल लगा रहे हैं लेकिन किसी तकरार के कारण अगर वह आपका फोन नहीं उठा रहा, अगर वह आपका चेहरा नहीं देखना चाहता, अगर वह आपके पास वापस नहीं आना चाहता, तो आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर देखें तो आपका जो रूठा प्यार है, जो भी आपके दिल के प्रिय है, जो भी पहले आपके साथ संपर्क में रह चुका है, तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा और इससे आप मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं। ना तो आपने इसके लिए कोई साधना करनी है और ना ही आपने कोई सिद्धि करनी है, केवल आपने एक चुटकी सिंदूर का यह उपाय करना है, जिस विधि के अनुसार आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो वशीकरण शक्ति है आपको तभी प्राप्त होगी अगर सही विधि के अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे। तो इसकी पूरी विधि के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें कि आपको किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी और कैसे एक चुटकी सिंदूर की शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण करेगी। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आवल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर किसी घर की समस्या के बारे में पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या फिर घर की सुरक्षा के लिए कोई हवन सामग्री किट या कोई वशीकरण धागा ताबीज, रक्षा सूत्र धागा ताबीज, काली मोहनी मसानी अघोरी का, ख्वाजा पीर जी का, कोई भी आप रक्षा सूत्र धागा ताबीज या किट मंगवाना चाहते हैं, तब आप इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये जो एक चुटकी सिंदूर की है कि कैसे आप इसके द्वारा वशीकरण कर सकते हैं, तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, जिस व्यक्ति को आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, जिसको आप अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं, अगर वह रुष्ट होने के बाद आपसे दिल के दूर है, अगर आप मन चाहे प्यार की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यह जो सिंदूर का वशीकरण है, एक चुटकी सिंदूर का, तो उस व्यक्ति के दिल में, उस व्यक्ति के मन में आपके प्यार की तड़फ पैदा करेगा अगर आप रेगुलर इस विधि का यह प्रयोग करते रहेंगे। और यह जो प्रयोग है केवल सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो इसके लिए देखो जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको 100-150 ग्राम चाहिए लाल वाला सिंदूर, लाल सिंदूर चाहिए इसके लिए।
और एक आपको चाहिए मिट्टी का दिया और एक आपको चाहिए तिलों का तेल। और ये जो सारी सामग्री है आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, उस व्यक्ति की आप एक तस्वीर ले लें, कोई भी उसकी एक फोटो ले लें और उस फोटो के ऊपर थोड़ा सा आपने तिलों का तेल लगा देना है। पूरी फोटो के ऊपर तिलों का तेल लगा देना है और तिलों का तेल लगाने के बाद ये जो सिंदूर है, थोड़ा सा सिंदूर उस फोटो के ऊपर अच्छी तरह से आपने लगा देना है। एक लेप आपने तैयार कर देना है और जो वह फोटो है उसका जो चेहरा है वह दिखना नहीं चाहिए। तो जब आपने उसके ऊपर ये सिंदूर लगा दिया तिलों का तेल लगाने के बाद, तो आप कहीं पर भी, आप अपने घर में भी, या पीपल के पेड़ के नीचे, या मोहनी जी के मंदिर में, या किसी नदी के किनारे, आपने इस फोटो को पहले नीचे धरती के ऊपर थोड़ा सा जल का छीटा दे दें घर में या बाहर कहीं पर भी। और यह जो आपने उपाय करना है, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो इस फोटो के ऊपर आपने फिर जो वह सारा सिंदूर है उसकी एक ढेरी अच्छी तरह से लगा देनी है। जो शेष वह सिंदूर जो बचा है, जो आप लेकर आए 100-150 ग्राम, और उसके बाद उसके ऊपर एक दिया आपने लगा देना है। माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी, जो सम्मोहन करने वाली देवी है, किसी को भी जो अपने प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है, माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए फिर आपने उस सिंदूर के ऊपर आपने 7 बार पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है, उसके चेहरे का ध्यान धरते हुए कि माता मोहिनी जी, हम आपका ये दिया रोशन कर रहे हैं और इस दिए की तरह ही जैसे जे चमक रहा है, आपकी जो शक्ति है वह ऐसे ही चमके और हमें इसकी प्राप्ति हो। और जिस कार्य के लिए हम आपका ये दिया रोशन कर रहे हैं, जिस वशीकरण करने के लिए हम आपका ये दिया रोशन कर रहे हैं, उसकी हमें प्राप्ति हो। और इस व्यक्ति को आप हमारी आँखों के सामने हाजिर करें अपनी दिव्या शक्ति के द्वारा। तो आपने ये दिया रोशन कर देना है और ये जो दिया है आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसी विधि के अनुसार आपने ये दिया रोशन करते रहना है रेगुलर, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो शुक्रवार तक भक्त जनों इस दिए को रोशन करने के बाद जब शनिवार वाला दिन आ जाए तो आपने यह जो सिंदूर है इसको पूरे सिंदूर को उतार कर किसी डिब्बी में आपने डाल देना है और जो वह फोटो है और यह जो दिया है इसको आप जल प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो भक्तजनों जो यह सिंदूर है, जब आप इसका तिलक लगाकर या इसको आप अपनी जेब में डालकर जिसके पास भी जाएंगे, जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हैं, जो वह व्यक्ति है वह आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगा और उस व्यक्ति के प्यार की आपको प्राप्ति होगी जो आपके दिल के प्रिय है, मन चाहे प्यार की आपको प्राप्ति होगी इस वशीकरण शक्ति के द्वारा। इसका आप तिलक भी लगा सकते हैं और इसको आप अपनी जेब में डालकर भी किसी डिब्बी में आप रख सकते हैं। तो जब भी आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो माता मोहिनी जी की जो दिव्या शक्ति है उसके मस्तक में वास करेगी और वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। एक चमत्कार के रूप में यह जो एक चुटकी सिंदूर की है पूर्ण रूप से
यह कार्य करेगी। माता मोहिनी जी की शक्ति माता श्यामकुर मोहिनी जी की यह जो शक्ति है जिसको आप अपनी जेब में डाल सकते हैं या फिर आप तिलक भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर बैठे आप इस सिंदूर को मंगवाना चाहते हैं, कोई माता मोहिनी जी का वशीकरण धागा वशीकरण ताबीज घर में रखने के लिए या गले में पहनने के लिए, तब आप हमारे द्वारा उसको मंगवा भी सकते हैं। और जब आप हमारे से कोई भी रक्षा सूत्र ताबीज या किट मंगवाते हैं तो उसके बाद मैं खुद आपको बताता हूं कि इसको कैसे आपने धारण करना है और ये जो इसकी जो विधि है कैसे ये कार्य करेगी उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, लेकिन जब आपको सामग्री किट मिल जाती है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी पड़ती, केवल आपने मैसेज ही करना होता है कि हमें गुरुजी आपकी जो सामग्री है यह मिल चुकी है। तो उसके बाद खुद मैं आपके साथ संपर्क करता हूं कि कैसे आपने इसको यूज करना है। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माता काली जय बाबा भैरवनाथ।